प्रार्थना। दिल्ली में चुनाव सिर पर है और चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। दोनों दलों के नेता इन दिनों पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं और विरोधियों पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस बीच चुनाव प्रचार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जनता से किए कई वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया और वहीं अमित शाह के एक एक आरोप पर केजरीवाल ने आज ट्वीट कर जवाब दिया। नंगलोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कल अमित शाह ने केजरीवाल पर हमला किया था और कहा, केजरीवाल जी अपने कहा था कि पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई कर दूंगा, मैं रास्ते में वाईफाई ढूंढते हुए आया हूं लेकिन बैटरी खत्म हो गई मगर वाईफाई नहीं मिला। शाह ने इस आरोप पर आज केजरीवाल से कहा कि सर हमने फ्री वाईफाई के साथ साथ फ्री बैटरी चार्जिंग का भी इंतजाम कर दिया है, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है। तो आपको बता दें, दिल्ली में अब चुनाव सर पर है और ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं वो पूरी कोशिश में लगी हैं कि दिल्ली की जनता को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित किया जाए। जो सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला दिल्ली में माना जा रहा है वो बीजेपी पार्टी को अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए माना जा रहा है और इसी बीच बीजेपी और अरविंद केजरीवाल सरकार में तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी द्वारा पूछे गए सवाल, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पूछे गए सवाल का ट्विटर के जरिए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फ्री वाईफाई के साथ साथ बिजली का भी इंतजाम कर दिया है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है तो फोन चार्ज जरूर कर लीजिए और फ्री वाईफाई भी मिलेगा। इस तरीके की जो एक लड़ाई है सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार देखने को मिल रही है। तो दिल्ली में रैलियों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी ने दिल्ली में अपने तमाम स्टार प्रचारकों को उतार रखा है जिससे कि दिल्ली के वोटरों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और दिल्ली में बीजेपी को जीत दिलाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता को अपने द्वारा किए गए कामों को याद दिला रहे हैं और इसके अलावा तमाम जो गारंटियां हैं और तमाम जो वादे हैं वो जनता से कर रहे हैं। अनंत श्रीवास्तव हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अनंत, दिल्ली में क्योंकि अब चुनाव की हम बात कर रहे हैं, सिर पर है चुनाव और ऐसे में जो मुख्य पार्टियां हैं उनके बीच में तनातनी जो है वो लगातार दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने तमाम स्टार प्रचारकों को दिल्ली में उतार रखा है, रैलियां हो रही हैं लगातार, क्या अपडेट देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि दिल्ली पे में जो है चुनाव पूरी तरीके से रंग ले चुका है और देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती जा रही हैं और देखा है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे कहा है कि नहीं हमें साथ जीत रहे हैं, 15 लाख की बात करते हैं, मनीष सिसोदिया ने जैसे कहा है और एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू हो गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी को भी जो है अन्ना हजारे के जो समर्थक थे, अन्ना हजारे के जिस बैनर से इन्होंने जो है नाम से उपयोग किया, उन्हीं के लोग अब चुनाव भी लड़ रहे हैं और केजरीवाल की जम के पक्षिया उधेड़ने में लगे हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।